वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम वजाहत है। नाम बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म करने लगी है। तो यार, वीडियो का जो टाइटल है वो है डीआरडीओ डेवलप्ड एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी। मतलब डीआरडीओ ने कोई एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया। अभी किस टाइप की टेक्नोलॉजी है पहले हम वीडियो देखेंगे, तभी इसके बारे में आइडिया। तो डिफेंस मैट्रिक्स का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं वजाहत किस टाइप की टेक्नोलॉजी है। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। है किस चीज से रिलेटेड? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डीआरडीओ द्वारा एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी को बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए। अच्छा, तो ये जो चैफ बनाया गया है वो डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर के द्वारा बनाया गया है, जिसमें मदद ली गई है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी की भी। तो इनको अब इंडक्ट किया जा रहा है, जिनके जो ट्रायल्स हैं वो सक्सेसफुली इंडियन एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किए जा चुके हैं। तो चैफ जो है वो काफी इफेक्टिव होते हैं रडार के अगेंस्ट में। तो जो आपकी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, जो कि यूजुअली बीवीआर मिसाइल्स होती हैं, उनके रडार को ये कंफ्यूज करने में मदद करते हैं। करने पर छोटे छोटे एल्यूमिनियम के, फाइबर ग्लास के या फिर प्लास्टिक के जो पीसेस होते हैं उनका एक क्लाउड रिलीज होता है, जो कि रडार सिग्नल्स को कंफ्यूज करता है और मल्टीपल सिग्नल्स हैं वो उसे वापस मिलते हैं, जिसके वजह से मिसाइल जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अच्छा। जो मॉडर्न चैफ्स हैं वो अल्मोनियम कोटेड ग्लास फाइबर्स होते हैं, जो कि काफी लंबे समय तक एयरबॉर्न रह सकते हैं और जो एनिमी मिसाइल है उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो अभी ये इंडिया में ही बनाई जाएंगी इंडिया के डिफरेंट फाइटर्स के लिए, और इंडिया के जो एनुअल रिक्वायरमेंट है उनको इंडिया में ही पूरा किया जाएगा। बाकी दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया द्वारा चालू किया गया है करीबन 811 लाइसेंस बिल्ट BMP-2 सारथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के अपग्रेड को, जिसमें ज्यादा पावरफुल इंजन, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी और डिफरेंट एडवांस सिस्टम शामिल है। तो ये चीज रिपोर्ट करी गई है कि जो अपग्रेड किया जाएगा वो बाय इंडियन इंडिजिनसली डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी के अंतर्गत किया जाएगा। अच्छा। इसके अंतर्गत ये मैंडेटरी है कि जो 50% कंटेंट यहाँ पर लगेंगे उसे इंडिया में ही बनाया गया हो। अच्छा। तो जो पोटेंशियल वेंडर्स हैं वो यहाँ पर अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज, ऑटिस फैक्ट्री बोर्ड, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस डिफेंस और टाटा शामिल है। और इंडियन आर्मी को एक ऑप्शन प्रोवाइड कराए। तो इस अपग्रेड के अंतर्गत जो मेजर अपग्रेड होंगे उसमें से पहला जो है वो इंजन रिप्लेसमेंट है। अच्छा। जिसके अंतर्गत जो 300 हॉर्स पावर का इंजन है उसको चेंज किया जाएगा। थर्ड जनरेशन की थर्मल इमेजर बेस्ड गनर और पैनोरमिक साइट्स को लगाया जाएगा, साथ में मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम को लगाया जाएगा, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर्स को लगाया जाएगा, साथ में इसके रेट्रोफिटिंग में जो ऑनबोर्ड प्लेटफॉर्म्स है वेपन्स के उनको चेंज किया जाएगा, जिसमें जो 30mm की 2.4A2 ऑटो कैनन है उसको मॉडिफाई किया जाएगा ड्यूल एमुनेशन फीड से। साथ में कैपेबिलिटी दी जाएगी कॉन्कर्स वायर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में, और सेकेंडरी 7.62x54mm की मशीन गन भी यहां पर लगाई जाएगी। बहुत बड़ा अपग्रेडेशन है। 2017 में पहले ही परमिशन दी गई थी करीबन 2400 करोड़ के बजट की, जिसके अंतर्गत 639 जो BMP-2s हैं उनको अपग्रेड किया गया था BMP-2M में, जिसको OFP द्वारा किया गया था। इसमें एक 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक वाला UDT-23 सुपरचार्ज्ड डीजल इंजन लगा था, जो कि करीबन 360 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। साथ में इसमें थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया था और कुछ में लोकली डेवलप्ड नाग मिसाइल को भी लगाया गया था, साथ में ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स भी ऐड किए गए थे। तो BMP-2s जो है वो इंडियन आर्मी की सर्विस में 1985 से हैं और ये रात में लड़ने के लिए कैपेबल नहीं थे, जो कि आजकल के वॉरफेयर में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इंडियन आर्मी ने आज तक 2691 BMP-2s जो हैं वो सर्विस में ली हैं, जिसमें से 1700 जो हैं वो अभी तक सर्विस में हैं। तो इनके कई वेरिएंट्स हैं, जिसमें आर्मर्ड एम्बुलेंसेस हैं, एम्फीबियस बुलडोजर्स हैं, इंजीनियर रिकॉग्निजेंस व्हीकल्स हैं, कुछ को मॉडिफाई करके नाग कैरियर्स बनाया गया है जिन्हें नामिका कहा जाता है, कुछ को मॉडिफाई करके आकाश सैम को कैरी करने लायक बनाया गया है। तो इनके जो यूजेस हैं वो काफी ज्यादा है। इनका जो वजन है वो करीबन 14.3 टन्स का है और इनमें 3 आदमियों का जो क्रू है वो लगता है। अच्छा। तो ये एक बार में 7 यानी कि 7 फुली इक्विप्ड इन्फेंट्रीमैन को कैरी कर सकता है
और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 600 किलोमीटर है और ये 65 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे रोड पे चल सकता है, ऑफ रोडिंग 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे कर सकता है और पानी में 7 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये चल सकता है। पानी में एक डिलेड प्रोजेक्ट है, इसको बहुत पहले ही किया जाना था पर अभी जो इसकी प्रोटोटाइप की डेडलाइन रखी गई है वो खाली 52 वीक्स की रखी गई है, यानी कि जुलाई 2022 तक। यानी कि जो कंपनीज इसके अपग्रेड को लेकर आएंगी उन्हें 52 वीक के अंदर इसका जो प्रोटोटाइप है वो बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली काफी क्रूशियल गैप है और ये जितना जल्दी हो सके इंडियन आर्मी के लिए उतना अच्छा है। इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार काफी घातक किस्म की इसमें टेक्नोलॉजीज यूज हुई है, मतलब पूरे टैंक को चेंज अपग्रेडेशन किया जा रहा है, बीम मिसाइल्स लगा रहे हैं। हां मतलब उसमें पहले चाफ सिस्टम है वो जो मतलब करता है वो पहले इंडिया मेरे ख्याल में और कंट्री से लेता था, तो वो उसको अभी इंडिया ने खुद बना लिया। बहुत मुझे बस एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए इतने सारे होते हैं तो मिसाइल जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस कौन सा टारगेट है मेरा। बिल्कुल, अगर मोबाइल से मिसाइल फायर कर दी जाए तो वो पक्का होता है कि हिट करेगा। और ये एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो इंडिया ने बना डाली, तो कंग्रेचुलेशन आप लोगों को। और दूसरी बात बीच में थी जो टैंक था सेकंड वाला, वो भी काफी न्यू किस्म का था। पहले उसका कहते हैं कि मतलब रात के लिए वो सही नहीं था, कैपेबल नहीं था, लेकिन बाद में उसको रात के लिए भी कैपेबल बना दिया गया और काफी इजिली वो आगे पीछे जा और हथियार देंगे और पकाए उनकी स्पीड और उसके और पानी में भी चल सकता है भाई। आजकल मोस्टली हर टैंक के अंदर नाग मिसाइल लगा है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और मतलब गाइड करके वो इजिली वो मतलब वो जहाँ पे छोड़ दिए तो वो पकड़ा टैंक। इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है, हद से ज्यादा, पता नहीं कितने मैक की यार, बहुत ज्यादा इसकी स्पीड है। और दूसरी बात बहुत तेजी से तबाह करते हैं और कहते हैं ये एक बार मतलब निकल जाए मतलब इसको मार दी जाए तो फिर ये रुकता नहीं है, टारगेट को हिट करके जानी आता नहीं और बकाया जो बाकी यार वो एक और थी जिसमें टाटा भी इसमें काफी बढ़ जा रहा है। यार आर्मर्ड व्हीकल्स और बकाया ये टैंक्स इसमें टाटा बहुत ज्यादा आगे आ रहा है और काफी टाटा ने बना के आर्मी को भी देता है। महिंद्रा बनाता है, महिंद्रा भी बनाता है वो चीजें, ट्रक और अशोक लेलैंड भी बना रहा है, फोर्स भी बना और मतलब इस चीज का फोर्स गोरखा उसका बहुत मजे का था। और यार वैसे एक बात है कि मतलब इंडिया अपनी कंपनियों में ज्यादा मतलब ट्रस्ट करता है बहुत और मतलब उनको पता है एक अच्छी चीज बना के मोशे का आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह ज्यादातर तुझे टाटा महिंद्रा की मिलेंगे इंडियन आर्मी में, तुझे और बाहर की कंपनीज की बहुत ही ज्यादा काम मिलेगी यार, हद से ज्यादा काम मिलेगी ना होने के बराबर की बहुत काम मिलेंगी। उल्टा महंगी भी होती है और टाटा और महिंद्रा वही चीज आपको वीआईपी से भी ज्यादा सस्ते में देते हैं और सस्ते में वाकई बांध के देते हैं। तो यार मुख्तलिफ किस्म की इसमें अपग्रेड कर रही है और इंडियन आर्मी मतलब हर तरह से अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कर रही है, एयरफोर्स आर्मी नेवी हर जगह पे मतलब, और बजट भी इंडिया का अभी बहुत बड़ा है मतलब अभी 75 बिलियन डॉलर या 80 के करीब है, तो उस लिहाज से तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा बजट है इंडिया का, अमेरिका चाइना और उसके बाद रशिया के बाद, रशिया नहीं अमेरिका चाइना के बाद, रशिया का 60 कुछ इस तरह कम हो गया इंडिया बहुत आड़े तो मतलब इंडिया का बजट वो ज्यादा, इंडिया इस बार अपनी चीजों पे ज्यादा फोकस करेगा ना मुबशर तो अपनी चीजें सबसे ज्यादा वो बना पाएगा। सो गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, बाय।